योगी जी से हाथ छोड़ के प्रार्थना है, योगी जी मुझे इंसाफ दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 17 साल पहले तनुज नाम के आदमी से शादी हुई थी, मैं मोमडन परिवार के से थी। मैंने इसके लिए अपना पति छोड़ दिया, अपना घर ससुराल सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपना ईमान सब कुछ परिवर्तन कर दिया, सब कुछ धर्म चेंज कर दिया। मैंने मुसलमान से मैं हिंदू हो गई, मैंने तनुज नाम के लड़के से शादी करी थी, लेकिन जब तक बहुत परेशान कर रहा है मुझे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ मुर्तजा खान। मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाया है, ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये लड़की 17 साल पहले तनुज नाम के लड़के से शादी करती है। तनुज से जब ये शादी करती है, इसकी शादी एक और जगह हो रखी थी, अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर ये तनुज से शादी करती है, हिंदू बनती है, यानी ये पहले मुसलमान थी। और ये सारे आरोप खुद वीडियो बनाकर लगा रही है तनुज के ऊपर, कह दी है कि तनुज ने मुझे प्यार में फंसाया, 17 साल पहले मैंने अपने पति और बच्चों परिवार को छोड़ दिया, ससुराल को छोड़ दिया और तनुज से मैंने शादी की, तनुज ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, मैंने प्यार में धर्म परिवर्तन कर दिया और मैं हिंदू बन गई। अब वो मुझे मारता है, पीटता है, कोई भी काम नहीं करता, सारे काम फ्रॉड करता है, हर कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी क्या क्या बन जाता है, मुझे इतना पीटता है कि मेरे कान का पर्दा भी फाड़ दिया है। वहीं साथ के साथ ये आरोप ये भी लगा रही है कि दूसरों के पास सोने के लिए मुझे बोलता है कि सो और मुझे पैसे लेकर आ। क्या क्या आरोप लगा रही है, आप खुद ही इस लड़की का वीडियो देख लिए। योगी जी से हाथ छोड़ के प्रार्थना है, योगी जी मुझे इंसाफ दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 17 साल पहले तनुज नाम के आदमी से शादी हुई थी, मैं मोमडन परिवार के से थी। मैंने इसके लिए अपना पति छोड़ दिया, अपना घर ससुराल सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपना ईमान सब कुछ परिवर्तन कर दिया, सब कुछ धर्म चेंज कर दिया। मैंने मुसलमान से मैं हिंदू हो गई, मैंने तनुज नाम के लड़के से शादी करी थी, लेकिन जब तक बहुत परेशान कर रहा है मुझे, जब से मार रहा है, पीट रहा है, हर गलत काम करवा रहा है मुझे, मेरे से कहता है लोगों के पास जाके सो, मुझे पैसा ला के दे, सर कोई काम नहीं करता, सारा फ्रॉड काम करता है, प्लीज मुझे बचा लो सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत मारता पीटता है, रोज मारता है, पीछे अभी भी इतना मारा है मुझे, मेरा कान का पर्दा भी बढ़ गया, परसों भी बहुत मारा, हाथ पैरों में सब में नील पड़ रहे हैं, बहुत मारता है सर, बहुत धमकी देता है, मेरे दोनों बच्चों को बहुत मारता है, प्लीज सर मुझे मन चाप देता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, यार गलत काम करता है और पुलिस की वर्दी पहन पहन के लोगों को कर रहा है, ये सर देखो इससे ने मेरी शादी करी थी, ये इसकी फोटो है, ये मुझे बहुत धमकी देता है, बहुत मारता है सर, प्लीज देखो ये देखो पुलिस की वर्दी पहनता है, देखो सर ये देखो सब कुछ फर्जी ले रखा है, देखो ये देखो सर ये इसकी देखो पुलिस की वर्दी है, ये देखो सर ये दूसरे की नाम की, देखो सर अलग अलग कार्ड अलग अलग वो करता है, ये देखो सर पुलिस का कार्ड, ये देखो सर फर्जी पुलिस बन के सबको लोगों को लूटता है, बहुत परेशान करता है, ये देखो सर बहुत परेशान करता है सर, ये इसकी फोटो है, ये देखो अलग अलग नाम से आधार कार्ड बनवा रखे है, इसमें अलग एड्रेस है, देखो इसमें अलग एड्रेस है, एक ये बनवा रखा है, ये देखो सर इसकी नेम प्लेट बनवा रखी है, ये देखिए सर ये देखो अलग अलग नाम से बना रखे हैं, ये देखो अलग अलग कंपनियों के कार्ड बनवा रखे हैं, ये देखो ये दूसरी कंपनी का कार्ड है, ये देखो इसमें वकील बना हुआ है, बहुत परेशान करता है, ये सब पुलिस के हैं, और तो देखो इतने सारे ये कारतूस है, इन्हें मार दे की धमकी देता है, बहुत परेशान करता है, पुलिस तनुज नाम। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, लव जिहाद की तो बात गोदी मीडिया और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो करते रहते हैं, बहुत से लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे भी लव जिहाद के मामले को लेकर लगा दिए गए हैं, पर ये जो भगवा लव ट्रेप का मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके ऊपर कोई भी बात गोदी मीडिया नहीं कर रही है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। जबकि लव जिहाद एक झूठे चीज है जिसका कोई भी सच्चाई सामने नहीं निकल कर आती है, सिर्फ एक नाम दे दिया जाता है कि लव जिहाद है, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। पर जो ये भगवा लव ट्रैप की जो वीडियो आए दिन निकल कर आ रही है, मुसलमान लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं की जा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास
लोग इस वीडियो को देखें और सतर्क रहें। आपकी क्या राय इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।